Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो आपकी पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है वो पीरियड के पहले दिन से स्टार्ट होती है, और पीरियड के पहले दिन से ही आपको सावधानियां बरतनी शुरू कर देनी चाहिए जिससे आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिले। तो पीरियड के दौरान कई महिलाओं को नहीं पता है कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अनजाने में भी अगर आप वो गलतियाँ कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो बिल्कुल भी आपको पीरियड के दौरान नहीं करनी है अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, पीरियड के पहले दिन से ही महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अगर फॉलिकल अच्छी तरीके से ग्रो होगा तो टाइम पे रप्चर होगा और फॉलिकल में से हेल्दी एग रिलीज होगा, जब जाके महिलाओं का ओव्यूलेशन समय पे हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला, जब पीरियड के दौरान महिलाओं की वजाना से ब्लीडिंग शेड होती है जो नॉर्मली 5 to 7 डेज तक चलती है, तो इस दौरान कभी भी आपको गलती से भी अपने इंटीमेट एरिया को सोप से वॉश नहीं करना है, या मार्केट में जो वॉश मिलते हैं इंटीमेट वॉश उनको भी यूज़ नहीं करना है। उसमें कहा जाता है कि ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, आपके वजाना को क्लीन रखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। मेन चीज़ ये है कि ये आपके, अगर आप ये चीज़ें यूज़ करें सोप या इंटीमेट वॉश, ये करने से जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के गुड बैक्टीरिया हैं वो फ्लश आउट होते हैं, बैड बैक्टीरिया अंदर एंटर करते हैं जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और पीरियड के दौरान तो महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह भी खुला होता है जिसकी वजह से पीरियड शेड हो रही होती है, तो बच्चेदानी में भी यानी यूट्रस में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से गर्भाशय की दीवार में बच्चा चिपक नहीं पाता है और महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और इसके साथ साथ महिलाओं को पेल्विक एरिया में भी कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये आपके वजाइना के एनवायरमेंट को भी ख़राब करता है, साथ में वजाइना के पीएच को इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से जब ओव्यूलेशन के टाइम आप ट्राई भी करते हैं तो वो एनवायरमेंट स्पर्म के लिए अच्छा नहीं होता और स्पर्म उस एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आपको कोई भी वॉशेज या सोप्स यूज़ नहीं करने, बेस्ट है आप जो भी वार्म वाटर से नहाते हैं उसी से अपनी वजाइना को क्लीन कीजिए, वो बेस्ट तरीका है हाइजीन का, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके साथ आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। हैवी लिफ्टिंग का मतलब यही नहीं होता है कि जिम जाके डंबल्स को उठाना, इसके अलावा घर पे भी कई महिलाओं की हैवी एक्सरसाइज हो जाती है जो महिलाओं को ही नहीं पता चलता है, जैसे बहुत ज़्यादा कपड़े धोना या हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाना, मार्केट से हैवी हैवी सामान को हाथ पे लेके आना, या घर पे ही हैवी ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर खिसकाना, ये सब आपका हैवी लिफ्टिंग में ही आता है। इससे आपने कई बार देखा होगा, नॉर्मली भी जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं तो आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़ता है, तो इससे क्या होता है, ये जो प्रेशर है ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है जिससे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए पीरियड के दौरान जितना हो सके लाइट चीज़ें कीजिए, ओवर कुछ भी नहीं करना है, ना ही हैवी एक्सरसाइज या हैवी ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर करना है, हैवी लिफ्टिंग करना है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा चीज़, हेयर वॉश। देखिए गाइस, हेयर वॉश साइंटिफिकली अगर माने तो हेयर वॉश पीरियड के दौरान आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट आयुर्वेदा में ये पाया गया है कि अगर पीरियड के दौरान हेयर वॉश आप करते हैं यानी सर पे आप पानी डालते हैं, जो भी पहले के 3-4 दिन होते हैं उसी टाइम पे मेन अगर आप अपने सर पे पानी डालते हैं तो उसका असर सीधे आपके नोज़ पे पड़ता है, आपकी बॉडी ठंडी होती है। और आपने देखा भी होगा जब आपकी तबीयत ख़राब होती है या जुकाम लगता है तो सर धोने को मना किया जाता है, क्योंकि सर से जो ठंड होती है वो बॉडी में पकड़ती है। तो पीरियड के दौरान आपकी बॉडी को हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर पीरियड के 3-4 डेज आप अपने हेयर को वॉश करते हैं तो उससे आपकी बॉडी ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से हो सकता है जो पीरियड का फ्लो हो वो ठीक तरीके से ना निकल पाए। अगर पीरियड का फ्लो ठीक तरीके से बाहर नहीं होगा तो इसमें क्लॉटिंग या गांठ जैसी दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए आयुर्वेदा में पीरियड के पहले 3 या 4 दिन आपको हेयर वॉश के लिए मना किया जाता है। अगर आप आयुर्वेद को मानते हैं और आपने ये चीज़ महसूस की है तो डेफिनेटली आपको पीरियड के दौरान हेयर को वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके हार्मोन को इंटरप्ट कर सकता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत कर सकता है। तो ये तीन बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हैं तो इससे आप नेचुरल तरीके से अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को
पढ़ा सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।